Hello students, I am Deepsikha, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, as you know that in the last session, we had started to read a story that was A Question of Grammar. In this story, we saw that there is a boy named William, and William was very sad because he feels alone in his family. No one cares for him. All the family members are busy in their work, and it was raining. He wanted to go outside and he asked for permission, but family members refused his proposal. He wanted to have a party. When he asked for permission, his father refused his proposal. So he went in his classroom. It was a class of English grammar, and in the classroom he was making plan to have party with his friends. Meanwhile, his teacher asked question to William about participles. William was unable to give the answer. When the teacher asked about the negative sentence, William replied that negative means it is the things that is used in photographs. So his teacher was very angry, and she feels very troubled. And let's see what she saying. Okay, आइए देखते हैं कि टीचर क्या बोल रही है आगे. जब वो नेगेटिव का मतलब ये बताता है कि नेगेटिव एक ऐसी चीज है जो कि फोटोग्राफ्स में यूज किया जाता है. So, teacher is saying that it's no and not. Negative means no, नहीं. And an affirmative is yes. And affirmative means क्या होता है? Yes, हाँ. We know that two type के sentences होते हैं. Negative sentences and affirmative sentences. Affirmative means yes and negative means no. Oh, said William politely. William बोलता है हाँ, ऐसा है. बहुत ही विनम्रता से बोलता है. So, two no's and nots means yes if they are in the same sentence. If you said there's not no money in the box, you mean there is. Teacher samjhati isliye do matlab two no nots means yes hota, means do negative sense milkar affirmative banate, means do no milkar yes hote hain. Agar koi agar aap bolo ki box mein मनी नहीं है तो इसका मीन्स होगा यस. विलियम कंसीडर्ड, विलियम समझ जाता है. एंड ही सेड ओ अगेन, देन ही सीम सडनली टू बिकम इंटेलिजेंट. अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है और ये फील करता है कि अब वो इंटेलिजेंट हो गया है. सो लेट्स सी कौन सी ऐसी प्लान सोचकर वो इंटेलिजेंट बन जाता है, मैच्योर बनकर रिप्लाई करता है. देन ही सेड इफ यू से नो एंड नॉट इन द सेम सेंटेंस दर्ज इट मीन यस. ही इज आस्किंग टू हिज टीचर दैट मैम अगर आप कहती हैं कि दो मतलब नो नॉट, नो और नॉट मिलकर एक ही सेंटेंस में नो नॉट और नॉट हो तो क्या उसका मीन्स यस होता है. टीचर इज रिप्लाइंग सर्टेनली यस, निश्चित ही, श्योर. विलियम स्माइल्ड, विलियम हंसने लगता है. विलियम हंसा. विलियम स्माइल वॉज अ रेयर थिंग्स. विलियम की स्माइल भी रेयर थी. थैंक यू ही सेड, बोलता है थैंक यू. बिकॉज अभी तक विलियम सैड था. आई थिंक अभी विलियम को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. सो ही बिगन स्माइल, इसलिए हम बोला गया कि विलियम की जो स्माइल थी वो रेयर थिंग थी. मीन्स अभी तक वो सैड था, बहुत ही मेहनत के बाद उसके फेस पे स्माइल आया हुआ है. सो क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डू यू थिंक विलियम स्माइल्ड. विलियम क्यों हंसा होगा. यू हैव टू थिंक एंड आल्सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द लाइव क्लास. ओके, नेक्स्ट. मिस जॉन वाज क्वाइट टच्ड. इट्स ऑल राइट विलियम. अब विलियम मिस जॉन मतलब जो कि टीचर विलियम की टीचर थी वो थोड़ा विलियम से थोड़ा लगाव फील करती हैं. एंड सी सेइंग दैट इट्स ऑल राइट, ठीक है विलियम. सी सेड
एम ग्लैड यू आर बिगनिंग टू टेक एन इंटरेस्ट इन योर वर्क. मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया है और आप अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो. आई एम वेरी हैप्पी. टीचर बहुत खुश होती हैं. विलियम वॉज मर्मरिंग टू हिमसेल्फ. विलियम अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा है. मीन्स मर्मरिंग मीन्स होता है अपने आप से बातें करना. वो अपने मन में कुछ कहता है बिकॉज यहाँ विलियम जो था वो कुछ और सोच के इस तरीके का आंसर दिया है. ओके नो ऑफ कोर्स नॉट एंड नो आई डिड नॉट एंड अ नो एंड नॉट मीन्स अ यस. सो ही मीन्स यस ऑफ कोर्स एंड यस आई डिड. वो बोलता है नो ऑफ कोर्स नॉट मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं बना हूँ. एंड नो आई डिड नॉट और नहीं मैं कभी था भी नहीं. एंड अ नो एंड नॉट मीन्स यस. सो ही मीन्स अब अगर आप कहती हैं नो एंड नॉट का मीन्स यस होता है. सो आपको उस मेरी समझ में आ गया है कि अब मैं क्या करूँगा. ओके ही वेटेड टिल फ्राइडे बिफोर ही गेव हिज इन्विटेशन विद अ कैजुअल एयर बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ पार्टी ऑन संडे सॉरी सैटरडे वेन हिज पेरेंट्स विल गो आउटसाइड. सो इसलिए वो वेट करता है सैटरडे आने का. फ्राइडे तक उसने वेट किया फ्राइडे तक. एंड लेट्स सी उसके बाद वो इन्विटेशन तैयार करता है. मेक फॉक्स इन गोइंग अवे टुमारो एंड दे सेड आई कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन टू टी. मतलब फॉक मीन्स रिलेटेड ग्रुप मतलब फैमिली में ऑल मेंबर्स पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर सब सैटरडे को बाहर रहेंगे और हमें टी पार्टी रखने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया. सो टेल योर मदर से said just to come and not bother to write. उसके फ्रेंड सजेस्ट करते हैं कि अपने माँ से पूछ लो वो भी पार्टी में हम लोग के साथ हो क्योंकि हमेशा राइटिंग करते करते वो बोर हो रही होंगी और वो परेशान हो गई होंगी. ही वॉज बोर्न स्ट्रेटजिस्ट नॉट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स पेरेंट्स गेट द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स वेन विलियम कॉन्सियंस. मीन्स विलियम जो था वो स्ट्रेटजिस्ट मीन्स कर सकते हैं हम प्लानिंग करने वाला. मतलब वो बॉर्न स्ट्रेटजिस्ट था मीन्स प्लानिंग करने वाला था. अच्छी प्लानिंग करता था अच्छी अच्छी आइडियाज बनाता था. और आई थिंक कि ये उसकी जो हैबिट थी ये जो क्वालिटी था उसने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट भी किया था. ओके आगे देखते हैं. लेट्स सी क्यूरियस अगेन रोज टू रिप्रोच हिम ही सेड टू इट फर्मली. वो बोलता है वो थोड़ा फर्मली से नहीं वो ऐसा नहीं करेंगी माँ नहीं रुकेंगी. ही सेड आई कुड ही सेड यस ऑफ कोर्स ही सेड यस आई डिड. वो अपने मन में प्लानिंग करता है और अपने मन से बातें करता है यस मैं करूँगा मीन्स आई वुड हैव अ पार्टी ऑन सैटरडे. ओके He asked them all. He thought that while you are having a party, you might as well have a big one. वो अपने सारे फ्रेंड्स से पूछता है सभी फ्रेंड्स को वो इन्वाइट करना चाहता है. And is thinking that अगर आप पार्टी रख रहे हैं तो मीन्स आप कोई बड़ी चीज करने जा रहे हो. So you need to invite of all. Okay? He hinted darkly at under unrestrained joy and mirth. मतलब वो इसके मन में इतना कह सकते हैं पार्टी के लिए वो ही वॉज सो क्यूरियस. मर्थ मीन्स होता है हैप्पीनेस जॉय और वो इतना जॉय फील कर रहा है जैसे कि वो कोई अमेजिंग चीज करने वाला है. दे ऑल एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड हिज ऑल फ्रेंड्स एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. सभी फ्रेंड्स जो हैं वो पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाते हैं. Why do you think all his friends accepted William's invitation? आपको क्या लगता है विलियम के सारे फ्रेंड्स ने इन्विटेशन क्यों एक्सेप्ट कर लिया? Also you have to think and reply. I think सभी फ्रेंड्स चाहते थे पार्टी में इंजॉय करना so that they accepted the invitation. Okay? William's mother
took an anxious farewell of him on Saturday morning, because Saturday को फैमिली को बाहर जाना था. सो विलियम क्योंकि अभी बच्चे को छोड़ के जा रही हैं बाहर, सो बहुत ही एनक्शियस थी और फेयरवेल कहती हैं विलियम से. सैटरडे की सुबह उनको निकलना था. यू डोंट माइंड बीइंग लेफ्ट डार्लिंग डू यू, एंड माइज सजेस्टिंग टू हर चाइल्ड. बहुत प्यार से बोलती हैं, बेटा अकेला फील मत करना. नो मैटर सेड विलियम विद परफेक्ट ट्रुथ. विलियम बोलता नो मैटर, कोई बात नहीं, क्योंकि परफेक्ट सच से मतलब कह सकते हैं सच्ची बात बोला कि कोई बात नहीं, बिकॉज वो तो अपने मन में सोच ही रहा था कि उसने पार्टी का अरेंजमेंट किया है, सो वो तो हैप्पी ही था. यू वॉन्ट डू एनीथिंग वी हैव टोल्ड यू नॉट टू विलियम, यू माइस अगेन आस्किंग, क्योंकि माँ के मन में थोड़ा डाउट है वो अकेले क्या करने वाला है. सो सी शेइंग दैट, बेटा आप ऐसा कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ हमने आपको करने के लिए मना किया है ऐसा कुछ भी मत करना. नो मैटर ओनली थिंग्स यू हैव सेट जस्ट टू विलियम बी सेइंग दैट, कोई नो मदर सॉरी नो मदर कोई बात नहीं माँ, आप मैं वही करूँगा जो आपने कहा है, मैं वही करूँगा. ओके आपसे यहाँ पे नो मदर होगा. यस Cook and Jen had long looked forward to this day. Cook and Jen had long looked forward to this day. अब कुक जो है मतलब कि माँ के घर किचन में जो काम करने वाली जो खाना बनाने वाली जो शेफ थी वो यहाँ पे रुकी हुई है. एंड जैन जो कि गार्डन के तरफ वाली करता है, जैन भी यहाँ पे रहेगा. There would be very little to do in the house, and as far as William was concerned, they hoped for the best. मतलब माँ समझाती है कि आपको जो कोई भी कोई प्रॉब्लम होगी ये दोनों आपकी हेल्प करेंगे, एंड विलियम को जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो विलियम वॉज कंसर्न्ड, दे होप्ड फॉर द बेस्ट, मीन्स जो भी विलियम सोचे चाहेगा वो सारी चीज़ें उसकी हर इच्छाएँ पूरी होंगी. विलियम वॉज आउट ऑल मॉर्निंग, विलियम बाहर था पूरी सुबह, वो बाहर था अरेंजमेंट में. एट लंच ही वॉज ओमिनसली क्वाइट एंड पोलाइट, लंच के समय वो कट क्या था मतलब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था, मतलब बहुत ही विनम्र दिखा रहा था, बुरी तरीके से वो दिखा रहा था. जैन डिसाइडेड टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स, जैन डिसाइडेड टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स. जैन भी डिसाइड करता है उसके फ्रेंड के साथ जाने के लिए. अबाउट 3 o'clock द पोस्टमैन केम एंड कुक वेंट टू द डोर फॉर द लेटर्स. विलियम जो था वो बाहर ही था, वो ही वॉज बिजी इन द अरेंजमेंट, कुक अलोन थी घर पे. और क्या था, जैसे 3 o'clock मीन्स इवनिंग का टाइम होता है, पोस्टमैन लेटर रख कर आता है, एंड कुक वेंट टू द डोर फॉर द लेटर्स, लेटर रिसीव करने के लिए कुक जो है वो डोर तक जाती है. देन सी स्टूड गेजिंग डाउन द रोड एज थ्रो ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड मीन्स शॉक हो जाना. सी वॉज वेरी शॉक टू शी एट द गेट, गेट पर वो देखती है वो शॉक हो जाती है, क्या था लेट सी आगे क्या था जो गेट पर लेके वो शॉक हो जाती है. कैन यू गेस क्या हो सकता है, विलियम के फ्रेंड्स. ओके आगे देखते हैं. विलियम हैड कलेक्टेड हिज गेस्ट इन रोड, मतलब विलियम अपने सारे गेस्ट को वो उसने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, सभी रास्ते में आ चुके हैं, गेट से वो अंदर आने वाले हैं, बिकॉज विलियम ने पार्टी में सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है अपने, एंड ही वॉज गोइंग टू हैव पार्टी नाउ, एंड ही वॉज ब्रिंगिंग देम जॉयफुली होम विद हिम, वो अपने साथ खुश होकर अपने सारे फ्रेंड्स को अंदर ले रहा है. दे ट्रूप्ड एट इन द गार्डन गेट, कुक पेल एंड स्पीचलेस वॉच देम, देन हर स्पीचलेसनेस डिपेयर्ड. अब कुक जो थी वो डर जाती है, क्योंकि सारे वो जो ट्रूप की जो पूरी दल थी जो ग्रुप था वो गार्डन के गेट से अंदर आ चुका है, और ये सीन देखकर कुक वॉज वेरी वेरी कह सकते हैं सरप्राइज्ड, एंड ही वॉज सैड ऑल्सो, बिकॉज
he haven't broke the rule. She haven't broke the rule and also William haven't broke the rule. किसी को रूल नहीं तोड़ना था बट यहाँ पे रूल्स के अगेंस्ट सब हो रहा है. ऐसा सोच के सी बिकम स्पीचलेस, वो चुप हो जाती है, शॉक हो जाती है और उनको देखती रहती है. यू आर नॉट, तब तक देन हर स्पीचलेसनेस डिपार्टेड. अचानक से मतलब वो जो भी साइलेंट होके अमेज कह सकते स्टंड हो गई थी, खड़ी हो गई थी, अचानक से उसको याद आता है. फिर वो बोलती है यू आर नॉट कमिंग इन हियर, तुम यहाँ नहीं आ सकते. सी सेड फियरफुली, फियरफुली मीन्स दृढ़ता से, हार्डली बोलती है आप यहाँ नहीं आ सकते. व्हाट हैव यू ब्रॉट ऑल द वायर्स क्लटरिंग अप द गार्डन फॉर, क्लटरिंग मीन्स अव्यवस्थित करते हुए, कुचलते हुए. बोल रही है कि इन सारे बच्चों को, इन सभी बॉयज को आप गार्डन से यहाँ पे क्यों लेकर आ रहे हो. दे आर मेकिंग द डिसऑर्डर ऑफ द प्लांट्स, सारे प्लांट्स को ये कस्ते व्यवस्थित कर रहे हैं और ये इस तरीके से ग्रुप में आ रहे हैं, क्यों इनको लेकर अंदर आ रहे हो. सी वॉज सेइंग दिस लाइन इन वेरी एंगर. आगे देखते हैं. दे हैव कम टू टी, सेड विलियम कामली. विलियम शांति से बोलता है ये सभी चाय के लिए आए हुए हैं. सी ग्रू पेलर स्टिल, मीन्स गुस्से से ठंडा पड़ जाना चेहरा जो है वो पीला पड़ गया था, मीन्स वो सैड थी एंड शॉक ऑल्सो. दैट दे हैव नॉट, सी सेट फियरफुली, नहीं वो बिल्कुल नहीं आ सकते. सी सेट फियरफुली, फिर वह दृढ़ता से बोलती है. वाट योर फादर वुड हैव सेड, फादर ने क्या बोला है, रिमाइंड याद करिए. ही सेड दे कुड कम, सेट विलियम, विलियम ने बोला वो आ सकते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स अंदर आएंगे. I asked him and he said yes of course. मैंने फादर से पूछा था और फादर ने बोला था I can have party. So मेरे फ्रेंड्स अंदर आएंगे. And I asked if he had said so on, he said yes. अगर मैंने बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो उन्होंने ये, जब मैंने बोला था कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो उन्होंने बोला था yes you can do. So मैंने किया, added मैंने किया. That's what he said because of English grammar and old Miss John said. और मेरी टीचर ने भी मुझे ये सिखाया था टू नेगेटिव मेक्स एंड अफर्मेटिव, मीन्स दो नेगेटिव आंसर मिलकर अफर्मेटिव बनाते हैं. सो अगर उन्होंने नो नो बोला तो मीन्स यश, इसलिए मैं पार्टी अरेंजमेंट कर लिया हूँ. कुक्स आंसर वॉज टू स्लैम द डोर इन हिज फेस, कुक का आंसर जो था स्लैम मतलब धड़ाके का शब्द जो था वो कह सकते हैं बंद हो गया क्योंकि विलियम के इस आंसर से वो चुप हो गई एंड सी कुडंट टेल एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोल पाई. लेट्स सी आगे क्या होता है. एंड लॉक इट, वो लॉक डोर लॉक कर देती है. देन 30 गेस्ट वर स्लाइटली डिसकंसर्टेड बट नॉट फॉर लॉन्ग. 30 गेस्ट उसके स्लाइटली धीरे से आते हैं. डिसकंसर्ट मीन्स अनसेटल्ड, मतलब क्योंकि व्यवस्था तो अनसेटल्ड थी वो, बट नॉट फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं थी. वो सभी अरेंजमेंट सब मिलकर कर लिए थे. कम ऑन, शाउटेड विलियम एक्साइटेडली. विलियम आस्किंग एंड विलियम कॉलिंग टू ऑल हिज फ्रेंड्स, कम ऑन जल्दी आओ जल्दी आओ. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. सीज द एनिमी, ही सेइंग सीज द एनिमी, ये हमारी शत्रु है. कैन यू गेस एनिमी किसके लिए बोला जा रहा है. यस, सीज द एनिमी, दिस लाइन रिफर्स टू द कुक. कुक के लिए यहाँ पे बोला गया है, विलियम ने बोला है कि वो हमारी शत्रु है, ये हमें ऐसा नहीं करने देगी. तो अब आप लोग जल्दी से अंदर आइए. लेट स्टॉर्म हर ओल्ड कैसल, स्टॉर्म चल आओ उसको हम कह सकते हैं. ऑल मीन्स होता है ऑल, हाँ सब मिलकर इसको कैसल में बंद कर देते हैं. उन्होंने प्लान किया इसको बंद कर देते हैं रूम में. द गेस्ट स्प्रिट्स रोज,
सभी की भावना एक साथ उठती हैं, जो गेस्ट हैं सभी मिलकर, दिस प्रोमिस टू बी इनफाइनेटली सुपीरियर सुपीरियर टू द यूजुअल पार्टी। हाँ, इस तरीके हमारी पार्टी अच्छे से हो सके, सो ये आइडिया अच्छा रहेगा। दिस दे श्वार्म राउंड टू द बैक ऑफ द हाउस, द एनिमी हैड बॉटल्ड एंड बैक डोर एंड वॉज फैस्टनिंग ऑल द विंडोज। उसको बंद कर दिया गया है, वो सभी पीछे वाले हाउस में चले जाते हैं, और एनिमी मीन्स कुक के लिए कहा गया, वो बोल्टेड मीन्स चिघाड़ती रहती है, चिल्लाती रहती है डोर के पीछे, विंडो को विंडो तक वो विंडो पर वो नॉक करती रहती है, बट कोई इस पर ध्यान नहीं देता। पर्पल विथ फरी, अब वो गुस्से से लाल पीली हो रही है, मीन्स शी वॉज वेरी एंग्री, सी सॉ हर फिस्ट एट विलियम थ्रू द ड्रॉइंग रूम विंडो। ड्रॉइंग रूम के विंडो से वो विलियम को फिस्ट से मारना चाहा, बट शी वॉज अनेबल टू डू दिस बिकॉज शी वॉज इंट्रैप्ड इन द रूम, रूम में फंस गई थी। विलियम ब्रांडिस्ट हिज पीस ऑफ स्टिक एंड ब्लू हिज ट्रम्पेट इन डिफाइंट रिप्लाई। विलियम क्या करता है, ब्रांडिस्ट मीन्स धमकाना, वार्निंग देना, उसको वार्निंग देता है, उसको पराजित करता, मीन्स उसको अटैक करता है ट्रम्पेट फेंक कर। ट्रम्पेट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको फेंक कर उसे मारता है। विलियम डिसाइडेड टू क्लाइंब अप टू द बालकनी आउटसाइड इथल्स ओपन बेडरूम विंडो विद हीप ऑफ हिज नोबल बैंड। विलियम डिसाइड करता है कि वो पीछे वाले रूम में जाएगा जहाँ पे इथल का बेडरूम पड़ता है, वहाँ पे आराम से वो लोग अपने ग्रुप के साथ पार्टी करेंगे। ओके, नेक्स्ट द एयर वॉज फुल ऑफ देयर डिफेंट वार हूप्स, दे फिल द फ्रंट गार्डन ट्रम्पलिंग ऑन द रोज बेड ट्रम्पलिंग द फ्रेशली म्यूट लॉन चीयरिंग विलियम एज ही स्वाप्ड अप द बालकनी। बालकनी जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जो बहुत अच्छा था, रोज बेड सभी कह सकते हैं, डेकोरेशन करते हैं और पार्टी की सारी अरेंजमेंट करते हैं। हिज ट्रम्पेट बिटवीन हिज लिप्स, मीन्स ट्रम्पेट मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। द एनिमी अपीयर्ड एट द विंडो, तभी विंडो से वो कुक देखती है जो कि उनकी एनिमी है, जिसको वो एनिमी समझ रहे हैं, एंड सट इट विद अ बैंग। विद अ बैंग मीन्स आवाज करते हुए तेजी से विंडो को बंद कर लेना। वो दिखती है, गुस्सा करती है और तेजी से डोर बंद कर लेती है, क्योंकि वो अंदर थी, कैट थी। एंड विलियम स्टार्टेड ड्रॉप डाउन अमोंग हिज फॉलोअर्स, अब विलियम अपने फॉलोअर्स के साथ वहाँ से उछल कूद करना सब शुरू कर देता है। पार्टी शुरू होती है उनकी, दे रेज हॉर्स रोर, क्या किया उन्होंने पार्टी शुरू करने से पहले, उन्होंने दे रेज अ हॉर्स रोर ऑफ एंगर, मतलब तेजी से शोर मचाना शुरू किया। हॉर्स रोर मीन्स कह सकते हैं डेंजरस नॉइज करना, ठीक है, तेजी से शोर मचाना। ऑल द डोर्स एंड विंडोज वर बोल्टेड, इतनी तेज शोर किया, सारे विंडोज सारे रूम जो थे वो मतलब नॉइज से भर गए, पूरा चीख जो है वो गूंज उठा। There was only one thing to be done. अब एक ही चीज करने के लिए है, उनके लिए पार्टी करना। The stone with which William broke the drawing room window fell upon a small slide table, scattering Mrs. Brown's cherished silver, far and wide. उस पर हिट करने के लिए कुक पर हिट करने के लिए विलियम ने स्टोन उठाया, और उस स्टोन से वो ड्राइंग रूम के विंडो तक विंडो की तरफ वो फेंकता है, और जिसकी वजह से वो जो स्टोन है वो मिसेस ब्राउन के सजाए हुए सिल्वर वेस पे वो गिर जाता है, वो क्रैश हो जाता है। ही वॉज डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, विलियम विद द बॉर्न जनरल्स कॉन्टेम्प्ट फॉर द मिरर डिवोस्टिशन ऑफ वार इनलार्ज द होल एंड हेल्प हिज गैलेंट बैंड थ्रो विद ऑनली लिमिटेड नंबर ऑफ कट्स एंड स्क्रेचेज। डिवेस्टेशन में सदा सर्वनाश करना, विलियम जो कि स्टार्टिंग से ऐसा ही था कि उस चीज़ों को तहस नहस करना उसे बहुत अच्छा लगता था और इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। गैलेंट मीन्स होता है ब्रेव, बहादुरी के साथ, एंड स्क्रेचेज मीन्स यू नो निशान। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है, सब पे स्क्रैच करता है, निशान छोड़ देता है,
सारी चीजों को वो कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर रहा है विद हिज बैंड, अपने ग्रुप के साथ. एंड ऑल्सो दे वर ड्रंक विद द थ्रिल ऑफ बैटल, मतलब वो ड्रिंकिंग भी करते हैं. द एनिमी वॉज शटिंग द स्मॉल विंडो ऑफ कोल सेलर एंड देयर विलियम इम्प्रिजेंट हर. एनिमी वॉज शटिंग, मतलब वो बंद कर रही थी अपना विंडो, बार बार खोल रही थी, ओपन कर रही थी. विलियम ने उसको इम्प्रिजन मीन्स कैद कर रखा था. टर्निंग द की विद अ लाउड येल ऑफ ट्रिम्फ, और वहीं से वो तेजी से ट्रिम्फ मतलब चिल्लाती है, बट कोई उस पर ध्यान नहीं देता. ओके क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस वॉज द राइट वे ऑफ हैविंग फन? आपको क्या लगता है कि फन करने का, इंजॉय करने का ये करेक्ट वे है, एक अच्छा तरीका है? ऑफकोर्स नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने घर के घर का यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना, अपने घर की चीज़ों को इधर उधर करना, नुकसान करना, आई थिंक इट इज बैड थिंग. ये पोलाइट भी नहीं है. नेक्स्ट, द पार्टी देन प्रोसीड, पार्टी आगे बढ़ती है. इट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गेस्ट दैट इट वॉज टू बी पार्टी अनलाइक एनी अदर. ये जो पार्टी थी पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन मीन्स होप, आशा, उनके जो गेस्ट आए हुए थे गेस्ट के अकॉर्डिंग ही थी. जो भी वो उन्होंने डिमांड रखा था, सारी चीज़ों की अरेंजमेंट की गई थी. एंड ये पार्टी जो थी इट वॉज द फर्स्ट पार्टी फॉर देम, मतलब ऐसी पार्टी उन्होंने आज के पहले कभी नहीं किया था. अप द स्टेयर्स एंड डाउन द स्टेयर, वो लोग दौड़ रहे थे स्टेयर से ऊपर जाना नीचे आना. इन ऑल द बेडरूम, सारे बेडरूम में घूम घूम के दौड़ भाग कर रहे थे. स्लाइडिंग डाउन, सरक रहे थे. द बैलुस्टर, बैलुस्टर मिस होता है पिलर्स, जो कि रेलिंग थी, डेकोरेटिव पिलर्स, इससे सरकते हुए ऊपर नीचे आना. दे आर मेकिंग फन इन एंड आउट ऑफ द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर आना, बाहर जाना, लॉन में जाना, सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे. एंड लिविंग ट्रेल ऑफ मडी बूट्स, और बूट मीन्स जो जूते पहन रखे थे, इस तरीके से मड इधर उधर गंदगी फैलाना, डर्ट फैला रहे थे वो, क्योंकि हर रूम में वो लोग दौड़ भाग कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे रूम वो लोग गंदा कर रहे थे, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में. ओके, शैटर्ड ऑर्नामेंट्स एज दे वेंट, मतलब जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ वहाँ सारी चीज़ों को, सारे डेकोरेटिव आइटम्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वो जा रहे थे. इट वॉज विलियम हु डिस्कवर्ड फर्स्ट दैट इट वॉज टी टाइम एंड देयर वॉज नो टी, मतलब वो लोग कह रहे थे यह विलियम ही है जिसने पहली बार टी पार्टी रखा है, इसके पहले उन्होंने कभी भी टी पार्टी नहीं की थी, और यह उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम फन का था. सो वो और भी चीज़ों को इस तरीके से अव्यवस्थित कर रहे थे, चीज़ों की चीज़ों को डिसऑर्डर कर रहे थे. ओके नेक्स्ट, felt slightly aggrieved, then he thought of the larder and his victuals. Larder, अब लार्डर मीन्स गोदान, अब वो सोचते हैं खाने पीने की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने मतलब स्प्रिट रोज कह सकते हैं, खाने की कह सकते हैं, खाने का भूत आ जाना, उस तरीके से वो बहुत तेजी से खाने की तरफ बढ़ते हैं. कॉमन ही कॉल्ड एंड जस्ट गेट वॉट यू कैन, सारी चीज़ें ले सकते हो, जो भी आप ले सको सारी चीज़ें आप ले सकते हैं. दे ट्रूप्ड, तो सभी ग्रुप में जाते हैं. दे ट्रूप्ड इन पैंटिंग शाउटिंग लॉफिंग एंड ऑल जस्ट गॉड दे गुड, पैंटिंग हाँफते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, लॉफिंग हंसते हुए, शोर मचाते हुए, जो कुछ भी वो कर पा रहे थे, दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स. जिंगर सीज्ड द रिमेंट ऑफ द कोल हैम एंड पिक द बोन, सीज मीन्स कह सकते हैं झपट लेना. तभी जिंगर क्या करता है, जिंगर वो झपट पड़ता है रेमेंट्स मतलब बचे हुए कोल्ड हॉम, हॉम कह सकते हैं मीट है, जूसी बोन्स को कहते हैं हम, वो बोन्स की तरफ जो कि लाया गया था उनको खाने के लिए, उस पर वो झपट पड़ता है. जॉर्ज विद ग्रेट गुस्टो ड्रैंग द होल जार ऑफ क्रीम, जार जो है वो कहते हैं भूखे की तरह, वो पूरा जार मतलब क्रीम मलाई का पूरा जार ही उस पर टूट पड़ता है, सारा खा जाता है. एंड विलियम एंड डगलस एट अ गूसबेरी पी बिटवीन देम, विलियम और डगलस मिलकर गूसबेरी खाते हैं. हेनरी एट अ होल करंट केक,
पूरा करंट मीन्स क्या करते हैं मुनक्का, मुनक्को से बना हुआ करंट केक वो खा जाते हैं. ईच फॉरगेट फॉर हिमसेल्फ, फॉरगेट मीन्स शर्ज्ड, मतलब जो जिसको जो कुछ भी मिलता है वो सारे सभी उस पर टूट पड़ते हैं. दे एट टू बाउल्स ऑफ कोल्ड वेजिटेबल्स, ठंडी सब्जी दो कटोरे वो सब्जियां खा गए. एंड अ ज्वाइंट ऑफ मीट, मीट खा गए. टू पॉट्स ऑफ हनी वो भी ख़त्म किया. थ्री डजन ऑरेंजेस, थ्री लोब्स एंड टू गैलन ऑफ क्रैप जूस, क्रैप जूस भी उन्होंने ड्रिंक किया. दे लेफ्ट द लार्डर अ प्लेस ऑफ गैपिंग इम्पटीज, और इस तरीके से लार्डर गोदान को इस तरीके से खाली कर दिया जैसे कोई आकर वहाँ पे लूट पाट करके चला गया हो. इस तरीके से पूरा जो गैलन था सब कुछ खाली, जो लार्डर था पूरी तरीके से खाली हो गया. मीनवाइल कुक्स वाइफ ग्रोइंग हॉर्सर एंड हॉर्सर एज द रिजल्ट ऑफ इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट एंड एक्सहेलेशन ऑफ इम्प्रिकॉशंस. तरीके से कुक जो थी वो चिल्लाते चिल्लाते उसके गले में जो था वो खराश हो गया था, उसके कह सकते हैं कि गले की आवाज़ उसकी ख़राब हो गई थी, वो चिल्ला रही थी. और नो वन वॉज केयरिंग फॉर हर, कोई इसका केयर नहीं कर रहा था. कह सकते हैं इन प्रिकॉशंस मीन्स बोलने में असमर्थ, वन हु इज अनेबल टू स्पीक. तेजी से चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज़ जो थी वो डैमेज हो गई थी. स्टिल एरोज फ्रॉम द डेस्ट एंड स्टिल द डोर एंड कोल फिलर्स टू द रैटल्स, तरीके से रैटल मीन्स खड़खड़ की आवाज़ होती है. देन वन ऑफ गेस्ट हु हैड बीन इन द ड्राइंग रूम विंडो केम बैक, तब तक एक गेस्ट की ड्राइंग रूम में था वो विंडो से देखता है और वापस आता है. सीज कमिंग होम, मतलब पेरेंट्स उससे वापस आ रहे हैं. सो ही सेइंग दैट सीज कमिंग होम, वो आ रही है. ही शाउटेड एक्साइटेडली, दे फ्लॉक्ड इनटू द विंडो, पूरा ग्रुप उछलकर विंडो की तरफ जाता है देखने के लिए. जेन वॉज बाइडिंग फॉन्ड, बाइडिंग अ फॉन्ड फेयरवेल टू हर यंग मैन एट द साइड गेट. तो जैन जो कि बाहर गया था वो भी आता है और इनके ग्रुप ने, विलियम के ग्रुप ने देखा कि जैन अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करके अंदर ही आ रहा है. डोंट लेट हर कम इन, उसे अंदर मत आने दो, उसे अंदर मत आने दो, एल्ड विलियम. विलियम चीखने लगता है कम ऑन कम ऑन, और वो इधर आ जाओ इधर आ जाओ कह के वो चिल्ला रहा है. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होने वाला है. क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक द किड्स डिडंट वांट जैन टू कम इन, बच्चे क्यों नहीं चाहते थे कि जैन अंदर आए. बिकॉज इस तरीके से इन्होंने जो डिसऑर्डर फैला रखा था, सारी चीज़ों को इधर से उधर करके अपनी मनमानी किया था, ऐसी कंडीशन में होम की जो कंडीशन थी उसको देखकर सच में उनको पनिश मिलने वाला था. सो दैट दे वांटेड दैट नोबडी वुड कम इन होम. विद अ स्माइल ऑफ ब्लिसफुल रेमिनिशंस अपॉन हर फेस, जैन टर्न इन एट द गेट. जैन टर्न जो है वो स्माइल करते हुए अंदर आती है. सी वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर बींग मेट बाई शोवर ऑफ मिसाइल फ्रॉम द अपर विंडो. वो मतलब कभी वो अपने आप को तैयार नहीं की रही होगी कि अंदर जाकर उसे क्या देखने वाला है, उसे क्या देखने वाला है. अ ट्रंप ऑफ लार्ड हिट हर ऑन ईयर एंड नॉक्ड हर हैट टू वन साइड, आवाज़ सुनकर वो चौंक जाती है. सी रिट्रीटेड हास्टली टू द साइड गेट, जल्दी से वो तेजी से साइड गेट की तरफ आती है. गो ऑन सेंड हर इन टू द रोड, अश्योर ऑफ अनियन द हार्म बोन्स एंड अ फ्यू पोटैटोज परसू हर इन टू द रूम रोड. सभी बच्चे उधर से निकल जाते हैं. फिर क्या होता है, रोड पे जहाँ जहाँ से वो जाते हैं हार्म बोन्स पोटैटो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं. नेक्स्ट साउट ऑफ ट्रिम्स रेंट द एयर देन साउट ऑफ ट्रिम्स डाइड अवे अबेप्टली. जिस तरीके से उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अभी तक गूंज उठी थी अब धीरे धीरे वो डिम होती है. विलियम स्माइल आल्सो फेडेड अवे, विलियम जो भी स्माइल कर रहा था उसकी स्माइल भी अब फैड हो गई है, मतलब फैड मीन्स विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं. एंड हिज हैंड इन द एक्ट ऑफ फ्लाइंग इन अनियन ड्रॉप अ कैब वॉज टर्निंग इन द फ्रंट गेट. देखता है अभी तक तो जेन आई थी, अभी कैब
केमिस गाड़ी व्हीकल आके रुकती है जहाँ पे इसके पेरेंट्स का व्हीकल है ये. इन द सडन साइलेंस दैट फेल अपॉन द बॉडी कुक्स हॉर्स क्राइज फॉर वेंजेंस. वेंजेंस मीन्स मतलब कह सकते हैं रिवेंज, प्रतिशोध से. अब क्योंकि कुक को रूम में बंद कर दिया गया था, अब वो प्रतिशोध से मतलब बदले की भावना से वो भी चिल्लाती है. एंड रिडबल्ड, और उसकी साउंड आवाज़ जो भी डैमेज हो गई थी चिल्लाते चिल्लाते, अब इसकी आवाज़ डबल हो जाती है बिकॉज उसके सपोर्टर आ चुके हैं. फोर्स हिम द कूल सेलर विलियम ग्रू पेल. अब विलियम कह सकते हैं उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं. ही वॉज सैड नाउ एंड ही वॉज ऑल्सो सिवरिंग विद फियर. द कैब कंटेन हिज फैमिली. कैब में कौन था? उसकी फैमिली थी. ओके, सो यहाँ पे अब आई थिंक जब फैमिली मेम्बर्स अंदर आए होंगे और उन्होंने इस तरीके से सारी चीज़ों को इधर उधर देखा होगा, एंड विलियम ने जो कुछ भी डैमेज किया था, जो पार्टी की वजह से उनका नुकसान हुआ था, ये सारी मैनेजमेंट देखकर फैमिली पर क्या असर हुआ होगा, एंड वुड दे पनिश विलियम और नॉट, आप इसको सोचिएगा एंड लाइव क्लास में इसका आंसर दीजिएगा. ओके, आज का सेशन एंड करते हैं. स्टोरी यहाँ पे एंड होती है. गुड बाय, टेक केयर.